हे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सॉफ्ट बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे जो कि है ये। दोस्तों, मैंने एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो लाइट की वीडियो बनाई थी, ये उसी का ही दूसरा पार्ट समझ लीजिए। ये सॉफ्ट बॉक्स उस वीडियो लाइट के आगे लगता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस सॉफ्ट बॉक्स की। ये सॉफ्ट बॉक्स गोडोक की तरफ से आता है। इसका नंबर है QRP120। इसमें भी तीन मॉडल आते हैं दोस्तों। एक आता है 120, एक आता है 90 और एक आता है 60। दोस्तों, मैंने ये 120 वाला लिया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, पहले इसमें मिलती है एक ये ग्रिड। इसका यूज़ मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। और दोस्तों, इसमें ये दो वाइट कलर के कपड़े मिलते हैं। इसका भी यूज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये दो कपड़े होते हैं जो कि एक छोटा है एक बड़ा है। इन दोनों का यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। ये आपके इसमें दो करके लगते हैं। ये जितने ज़्यादा लगेंगे दोस्तों, ये उतनी आपकी लाइट को सॉफ्ट कर देंगे। तो ये अगर हम छोटा लेते ये वाला, तो इसमें ये सिंगल मिलता, और अगर हमने बड़ा लिया है तो इसमें ये दो कपड़े मिले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम मेन आइटम की जो कि है ये। इसको हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों, ये है सॉफ्ट बॉक्स जो कि आप ऐसे देख सकते हो। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से लगता है और ये छाते की तरह होता है, छाते की तरह ही खुलता है। दोस्तों, इसमें ये डंडियाँ लगी गई हैं, और जो मैं आपको वो दिखा रहा था वो इसके यहाँ पे लगता है। ये आप पूरा देख सकते हो, और जो हमारी लाइट है वो इसकी यहाँ पर लगेगी। जो हमारी वीडियो लाइट है वो यहाँ पर इस पे आके लगेगी। दोस्तों, मैं इसको पूरा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने इसका ये पहला जो छोटा कपड़ा था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसमें ये फीती टाइप की मिलती है दोस्तों। ये इस फीती में इसको जोड़ के लगाया जाता है। ये आपका ये पहला कपड़ा है। और जो दूसरा कपड़ा है दोस्तों, वो आपका ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये इस पर लगता है। ये दूसरा कपड़ा भी आपको लगा के मैं दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसका दूसरा कपड़ा भी ये लगा चुका हूँ जो कि बड़ा आया था, और जो मैंने बताया था आपको ये यहाँ पे लगेगा। अब दूसरा ये जो छूट रहा है, इस पर लगेगी ग्रिड जो कि है ये। दोस्तों, ये जाली की तरह लगती है, ये जाली की तरह दिखती है, और ये इसके यहाँ पर आगे लगती है। ये क्या काम करती है दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट की शूट कर रहे हो या कोई वीडियो फोटो खींच रहे हो, तो खाली ये उसी चीज़ को, लाइट को पूरा उसी प्रोडक्ट पे फोकस करेगी। ये ज़्यादा लाइट को फैलाती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी लगा के फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों वाइट वाले कपड़े और ये पूरा लग के ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आप इसको देख सकते हो, ये मैंने ऐसे यहाँ पर ये लगाया है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से पूरा ये दिखता है। अब मैं दोस्तों इसको लाइट में और स्टैंड में लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। जो इसका स्टैंड है वो भी दोस्तों इतनी बड़ी लाइट के लिए भारी स्टैंड लगता है। एक नॉर्मल स्टैंड भी है मेरे पास, पर वो इसमें काम नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ भारी है, इसकी लाइट भी और ये सॉफ्ट बॉक्स भी। तो इसके लिए भारी स्टैंड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप दोनों स्टैंड को देख सकते हो, ये वाला नॉर्मल स्टैंड है और ये वाला हैवी स्टैंड है। अगर इन दोनों की मोटाई की बात करें तो दोस्तों ये इससे दुगना मोटा है, और हैवीनेस में कम से कम ये तीन गुना भारी है। ये दोस्तों पूरी लाइट इस स्टैंड पे लगा के मैं आपको तब दिखाने वाला हूँ। ये है दोस्तों वो वीडियो लाइट, इसकी अब ये अभी जीरो पर है। अब मैं आपको इसको बढ़ा के दिखाता हूँ कि कितना, ये 10% पे है दोस्तों। ये आप देख सकते हो इसकी लाइट, ये 20 करता हूँ, 30, 50 और ये 100% दोस्तों। ये आप देख सकते हो इसकी 100% रोशनी है, और बहुत ही तेज़ रोशनी है। इतना आपको लाइट इसमें कैमरे में पता नहीं चलेगा। ये दोस्तों कुछ इस टाइप से ये लाइट लगती है। ये आप देख सकते हो यहाँ आगे की साइड, ये सॉफ्ट बॉक्स का लगता है, और यहाँ पे एक हुक टाइप का है, उससे ये लॉक हो जाता है। और अगर आपको कभी ये निकालना हो तो ये रहा दोस्तों, इसको अनलॉक करने के लिए इसको आप पीछे करोगे तो ये लॉक निकल जाएगा।
दोस्तों यह इस टाइम 100% पर है, और इसको इसकी रोशनी देखते हैं दोस्तों, ये आपको दीवार पे दिख रही होगी, ये इसकी रोशनी आ रही है ग्रिड के साथ में, ये ग्रिड आप देख सकते हो। अब मैं ग्रिड हटाऊं तो अब मैंने ग्रिड थोड़ा हटा दिया दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये इतना हट चुका है। अब आप देख सकते हो दीवार पे इसकी कितनी रोशनी पड़ रही है। तो दोस्तों यही था मेरा पूरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो में बहुत मेहनत लगी दोस्तों, इसको सामान को भी लाया हूँ, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।